नमस्ते बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला टॉपिक डिस्कस किया था उसके सारे फार्मूलेस डिस्कस किए थे जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राॅइंग्स वो, वो विड्रॉ कर रहा था चाहे हर महीने चाहे हर क्वार्टर में चाहे सिक्स मंथ्स पर अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा फार्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए ना केस नंबर वन इसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना इफ़ ए यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स एट द रेट ऑफ टेन पर एनम केस वन इफ़ ए विड्रू रुपीज सिक्सटी थाउजेंड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में सिक्सटी थाउजेंड विड्रॉ कर रहा है एक क्वार्टर का मतलब साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं चार अगर एक बार सिक्सटी थाउजेंड तो पूरे साल में सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर नाओ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर जरा अपना टेबल बना लो फटाफट ये टेबल बनानी सीखी थी हमने लास्ट वीडियो में नाओ बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो टाइम कितना हो जाएगा साढ़े सात बटा बारह मिडल ऑफ ईच क्वार्टर होता तो छ बटा बारह एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता तो साढ़े चार बटा बारह याद है ये सब हमने डिस्कस किया था तो अब इस क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है टाइम कितना लिखू बताओ साढ़े सात बटा बारह यही था आंसर ओके okay. नाउ अब टोटल ड्राइंग्स निकालना है हर क्वार्टर में सिक्सटी थाउजेंड तो पूरे साल में कितना विड्रॉ किया चार बार सिक्सटी को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर तो इफ़ आई मल्टीप्लाई फोर विथ सिक्सटी थाउजेंड मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा टोटल ड्राइंग्स का छः चौक चौबीस यानी कि टोटल ड्राइंग्स कम्स आउट टू दो लाख चालीस हज़ार नाव टोटल ड्राइंग्स मेरे पास आ गया रेट मुझे क्वेश्चन में दिया है टाइम मैंने निकाल दिया कैन वी पुट इन द फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राॅइंग्स दो लाख चालीस हजार मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन हंड्रेड टेन अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय साढ़े सात बटा बारह साढ़े सात बटा बारह को मैं लिख सकती हूँ पंद्रह बटा चौबीस डबल कर देते हैं ना उसको नाउ अमाउंट कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आ रहा है नाउ केस नंबर टू पहले वीडियो को पॉज करके केस वन कंप्लीट कर लो फिर केस टू देखते हैं वीडियो को पॉज करो सॉल्यूशन निकालो कमेंट करो फिर आगे चलें नंबर टू डिस्कस करते हैं इफ बी विड्रूज इन द दिडल ऑफ एवरी मंथ इन द दिडल ऑफ एवरी मंथ पहली बात तो ये है कि मंथ की बात कर रहा है वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो पूरे साल में कितनी बार पैसा विड्रॉ करेगा बारह बार तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ड्रॉइंग्स कितना आ जाएगा हर महीने टेन थाउजेंड पूरे साल में टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व यानी कितना आ जाएगा एक लाख बीस हजार फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टोटल ड्रॉइंग्स एक लाख बीस हजार मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन हंड्रेड रेट हमेशा सवाल में दिया हुआ होता है दस बटा सौ मल्टीप्लाइड अपॉन ट्वेल्व मिडल ऑफ एवरी मंथ मिडल ऑफ एवरी मंथ फिर से अपनी टेबल देखते हैं मंथ है मिडिल है मिडल ऑफ एवरी मंथ छः बटा बारह और ये क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता तो साढ़े छ बटा बारह एंड ऑफ एवरी मंथ होता तो साढ़े पाँच बटा बारह हमारा क्वेश्चन क्या है मिडल ऑफ एवरी मंथ तो छह बटा बारह से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है सबसे पहले विल राइट डाउन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय सिक्स बाय ट्वेल्व क्योंकि मिडल ऑफ मंथ था टोटल ड्रॉइंग्स कितनी आई थी हर महीने दस हजार पूरे साल में बारह बार विड्रॉ किया सो दस हजार गुना बारह एक लाख बीस हजार रेट सवाल में दिया हुआ है टाइम हमने निकाल दिया मल्टीप्लाई किया एक लाख बीस हज़ार मल्टीप्लाइड बाई टेन अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई छः बटा बारह अमाउंट कैलकुलेट करके रुपीज़ में लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करो केस टू का अमाउंट निकालो कितना इंटरेस्ट आ रहा है जो पार्टनर से लेना है हमें केस थ्री की तरफ चलें ओके केस थ्री क्या कहता है इफ़ सी विड्र यू रुपीज फाइव थाउजेंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ्स सिक्स मंथ्स लिखा हुआ है छे महीने वाला वो हमें देखना है छ महीने यानी कि एक साल में छह बार पैसा विद्रॉ कर रहे हैं फाइव थाउजेंड को कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं सिक्स से तो अगर हर महीने पांच हजार छ महीने तक विद्रॉ किया तो अमाउंट आ गया थर्टी थाउजेंड नाउ वॉट इज द फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय टाइम बाय ट्वेल्व टाइम निकालने के लिए फिर से अपनी टेबल देखते हैं क्या देखना है एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ्स अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है फॉर सिक्स मंथ्स है तो टाइम आ जाएगा ढाई बटा बारह कितना आ जाएगा ढाई बटा बारह अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ्स होता तो साढ़े तीन बटा बारह मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ्स होता तो तीन बटा बारह लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है एंड ऑफ एवरी मंथ तो ढाई याद रखने का तरीका साढ़े छः छः साढ़े पाँच साढ़े सात छः साढ़े चार साढ़े तीन तीन और ढाई यहाँ आधे आधे का गैप यहाँ भी आधे आधे का गैप और यहाँ पर डेढ़ का गैप याद रहेगा नाउ केस थ्री का सोल्यूशन सबसे पहले काम फॉर्मूला लिखने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपन 100 मल्टीप्लाइड बाय ढाई बटा 12 ढाई बटा 12 को और मैं कैसे लिख सकती हूँ पाँच बटा चौबीस राइट टोटल ड्रॉइंग्स कितनी आ गई थी मेरी 5000 थाउजेंड यानी कि थर्टी रेट मुझे क्वेश्चन में दे रखा है सो so पुट कर सकते हैं थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय टेन अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय फाइव बाय ट्वेंटी फोर अमाउंट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है क्लियर है तीनों केसेस वो तीनों केसेस मंथ क्वार्टर और सिक्स मंथ्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं बाकी क्वेश्चन कुछ भी वो पूछ सकता है हम उसको कर सकते हैं आज का असाइनमेंट ये तीन क्वेश्चन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन एम केस वन डब्ल्यू विड्रू थर्टी थाउजेंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर क्वार्टर टोटल रैंक्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको फोर से एक्स विड्रू एट थाउजेंड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर सिक्स मंथ्स अपने आप देखना कितने से मल्टीप्लाई करना है देन टी विड्रू फोर थाउजेंड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ हर महीने तो कितनी बार विड्रॉ करेगा पूरे साल मल्टीप्लाई करना और आंसर कैलकुलेट करके मेरे को बताना अगली वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पार्टनर अन अमाउंट विड करता है अन अमाउंट विद्रॉ करने का मतलब है जरूरी नहीं है कि वो हर महीने चार चार हजार ही विड्रॉ कर रहा है कभी पाँच हज़ार विड्रॉ कर रहा है कभी दस हज़ार विड्रॉ कर रहा है कभी पंद्रह विड्रॉ कर रहा है और अलग अलग डेट्स पर विड्रॉ कर रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे पहले ये जो तीन क्वेश्चन दिए हैं इसे सॉल्व करो बाकी जो तीन क्वेश्चन डिस्कस रहे हैं जिनके आंसर्स फाइनल आंसर्स नहीं निकाले उनके आंसर्स निकाल के मुझे सेंड करो थैंक यू गॉड ब्लेस यू